राम राम भाई सारा ने मैं तार आपका अपना मोहित अलावत। आज अपना टॉपिक है यू भाई टेंस का। चलो शुरू करा, मजा होगा। वीडियो देख दिया भी और समझ में आ गया तो अंग्रेजी में भी मजा होगा। ये भाई तार तक पढ़ाया गया होगा टेंस के तीन प्रकार हुए हैं, उन तीन प्रकार के चार चार प्रकार और हुए हैं, फिर उन चार के तीन तीन चार चार प्रकार और हुए हैं। थोड़ी अगर अभी समझो ना, ये चार प्रकार कितने लगड़े, तीन प्रकार कितने बने, समझो ना। नू रट्टा मान तो याद थोड़ी हो गए टेंस, समझो हो गया टेंस, समझो ना। टेंस ना हिंदी में कह दिया करे काल या समय। टेंस की अगर आप परिभाषा अपने देखा तो देसी सा मजा बनाएगी भाई। इंग्लिश ग्रामर का ईसा नियम जो अपन नू बतावे कोई भी काम कितना हो लिया और को सा समय पे होया है। तो समय ना पा इंग्लिश में कह देवांगे टाइम, और काम की इंग्लिश बनेगी वर्क। अगर आप किसे भेड़ बकरी चरानी है अभी नू पूछांगे ना अक भाई समय के क्या प्रकार हो है, तो अपन वो भी बता देगा अक भाई। एक तो जो सा बीत लिया, एक जो सा चल रहा है, और एक जो सा आगे भविष्य में आवेगा। आज विभिन्न इंग्लिश में देखा है, जो सा बीत लिया उसने इंग्लिश में कह देंगे पास्ट, जो साहिब चल रहा है उन्हें कह देंगे प्रेजेंट, और जो सा आगे होगा भविष्य में उन्हें कह देंगे फ्यूचर। ये थे टाइम के प्रकार। ठीक इसे डाल जिस हिसाब तक टाइम के तीन प्रकार हुए है, काम के भी तीन प्रकार हो है अपने देसी शब्द है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसके चार प्रकार बनाए गए जिस तक ही इंग्लिश आसान हो जावे, टेंस आसान हो जावे। चलो इन काम के ये चार प्रकार देखो बार। इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, चार प्रकार हुआ है। आज भी ना बस समझांगे अपने देसी हा उदाहरण दे। देसी हा उदाहरण यो है, तारा दोस्त का नाम है मान लो राहुल, तामी जान लायक रहे उसके घर, तो राम तमने पै गया उसका बाबू, तो तमने पूछा उसका बाबू पे ताऊ राहुल की थे, उसने कह दिया भाई मैं समूस खोलता होगा भाई, डंगर पानी पियाने का टाइम हो रहा है बेरा। हालांकि राहुल का बाबू ने भी कोनी अगर राहुल करे के है स्टेम, बस वो अंदाजा लगाया गया है हाँ भाई डंगर पानी पियाने का टाइम हो रहा है, डंगर खुलता होगा, यू अंदाजा लगाया गया है। इसने कह देंगे आप इंडेफिनेट इंग्लिश में अनिश्चित, मतलब कि बेरा कोनी पक्का मैसे खुलता होगा और कि पढ़ता भी हो अगला के मेरा भाई लेट हो गया हो पढ़ने में, पांच सात मिनट पाछा राहुल का घर हाँ तोड़ पाएगी। तमने उसकी माँ तमने पूछा कि ताई राहुल किधर है, तो उसने कहा भाई बेटा बस डंगरा न लेगा जोड़ पर जाने लग रहा होगा, बस इफ दो मिनट हो घर तक लगड़ी, तो जो जोड़ पर वो डंगरा न लेगा जान लग रहा होगा, घर तक लेकर जोड़ पर जान लग का सफर। इसने कह देंगे आप कंटिन्यूस टेंस, तभी जोड़ का जान लग गए, तमने देखा हक वो तो जोड़ पे पहुंच लिया दूर तक दिख गया नू हाँ जोड़ पे पहुंच लिया वाय, तो वो घर तक चल लिया जोड़ पे मैस पानी पियाने खतर, उसका जोड़ पे पहुंच दिए वो काम हो गया पूर्ण, मतलब कि पूरा वो काम पूरा हो दिया वो बन गया परफेक्ट बन गया। और ईब मान लो उनकी मैस जमाल बैदी जोड़ में हो गए उन्हें ढाई तीन घंटे वे लकड़ दिए कोनी वो लिया कैल मारन लग रहा हूं कडली, तो कुछ ने पूछा बुढ़ा ठेरा ने अपना दादा ने आवा छोरे क्या था मरण लग रहा डले के बात होगी थोड़ी बार और बैठी रहने दे, तो उसका जवाब दादा इतने ढाई तीन घंटे पहले लिया था
कॉल करी हलकट गए कौन दिन दी जो 2.5-3 घंटे के आ गया। यू हो गया टाइम ऑफ पीरियड, उसने नू बता दिया हाँ इतने घंटा तो ले रहा हूँ, ये जोड़ पे पड़ी है। टाइम का जिक्र लेकर या दना का जिक्र लेकर या क्वेश्चन का जिक्र लेकर बात पूरी करी जाओगी, वो हो जाएगा अपना परफेक्ट कंटिन्यूस। ये था थोड़ा हा मनोरंजन भी होगा वह तारा थोड़ा बहुत मोटा मोटा दिमाग में बढ़ भी गया होगा कोसा में के काम चल लेगा। तो आ जाए बिना तो हम सारा ना भाई क्रिकेट का मैच तो देखा ही होगा, तो उसमें तो हमने देखा होगा इंडिया की टीम की ड्रेस किसा रंग की है, पाकिस्तान की टीम की ड्रेस किसा रंग की है, श्रीलंका की टीम की ड्रेस अलग रंग की है। जिस तरह तो हमने नूबेरा पट जावे हाँ यू श्रीलंका की टीम का प्लेयर है भाई, यू इंडिया की टीम का प्लेयर है, यू पाकिस्तान की टीम का प्लेयर है, अलग अलग ड्रेस बना दी उनकी। ठीक इसे प्रकार इंग्लिश ग्रामर में भी टेंस की पहचान करने खातर हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है अलग अलग। जिस तनु बेरा पट जावे हाँ भाई यू यो टेंस है, इसमें यह हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आओ देखा, देखो भाई ये टेंस के नाम लिखो ऊपर पहला प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इवन के सब पार्टा के नाम लिखवाड़ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कंटिन्यूस कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब लग गई अपना डू डज, और पास्ट का इंडेफिनेट में बन जाएगा डू डज का डिड, और फ्यूचर का इंडेफिनेट में बन जाएगा डू डज का विल और शैल। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपनी हेल्पिंग वर्ब लग गई इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में अपनी हेल्पिंग वर्ब लग गई वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। परफेक्ट में हो जाएगी अपनी हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी अपनी हैज हैव की हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगी विल हैव शैल हैव। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आओगी हैज बीन हैव बीन, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आओगी अपनी हैड बीन, नू अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आओगी हेल्पिंग वर्ब will have been या shall have been। यह थी अपनी हेल्पिंग वर्ब, इन हेल्पिंग वर्बा ने ध्यान तो याद कर लियो वह, अगर यह तारा हेल्पिंग वर्ब याद होगी ना हमने टेंस सीखने तक कोई नहीं रोक सकता। या नू ला लो रीड की हड्डी है, और यह याद होगी तो तमी
इंग्लिश का वाक्य तारा आगे चकोसाई रख देवा तो मैनू बता दोगे यो इस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, तो ये याद कर लियो भाई। दम सर इन्हें पर टेंस घूमेंगे ये भाई। देखो आप ही अपना आम जीवन में जो भी एक दूसरा तक बात करा हाँ, अपना बात कर दिया जो आप लाइन ना का यूज करा हाँ, उन लाइन ना ने हिंदी में कह दे है वाक्य, और इन वाक्य ने अंग्रेजी में कह दिया करा सेंटेंसेस, अर्थार्थिक टेंस समझाने खातर इंग्लिश ग्रामर वाले ने इन सेंटेंसेस तक बांट दिया तीन भाग में, जिस तरह टेंस समझने में आसानी हो। पहला पार्ट हो गया इनका सिंपल, कल हो गया अफर्मेटिव कह लो, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया इंटरोगेटिव, ये भी सिंपल या अफर्मेटिव। उसने कहा हाँ, जुकर मैंने कह दिया मैं स्कूल में जाऊंगा, यू हो गया सिंपल। इब किसी ने मैं टोक दिया, रहने दे भाई के करेगा स्कूल में जाकर, यू हो गया अपना नेगेटिव। जो काम कर्ण की कब है कोई उस काम तक मना कर दिया जावे है तो वो नेगेटिव हो जाओगा, और फिर कोई तीसरा बंदा उस पर सवाल उठा देगा अक भाई के करेगा स्कूल में जाकर, यू हो गया इंटरोगेटिव। जरा सवाल पूछे जाओगे वो इंटरोगेटिव, जो बिल्कुल सिंपल और साधारण वाक्य जो से आप इस्तेमाल करा हाँ वो जगह सिंपल या अफर्मेटिव कह लो, और जिसमें काम करने तो मनाई करी जागी वो जगह अपना नेगेटिव। ये वो है सेंटेंसेस के तीन पार्ट कह लो, भाग कह लो, प्रकार कह लो। ये थे भाई अपने कुछ देसी है उदाहरण तार्तिक बताने खातर टेंस के प्रकार कुकर बने इनकी पछाण के है हेल्पिंग वर्ब कुकर के लागेगी। आओ ये भी ना टेंस ना भी सीखा इंग्लिश ग्रामर का हिसाब है। तो ये बापी अपना देखा है पहला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस की पहला तो हिंदी में पहचान देख लो आए, हिंदी में पहचान है इसकी वाक्य का अंत में अपन ता है, ते है, ती है, तो हो, ये वर्ड मिलेगी है। अरे इंग्लिश में पहचान होगी कोई भी डेली रूटीन हो, शेड्यूल हो, अच्छा या फिर भी इसका प्रयोग होगा न्यूज चैनल पर कमेंट्री कर दिया आने, कुछ यू है इसका यूज इंग्लिश का। लेकिन ये बापा देखा है जो अपना इंग्लिश में आवेगा अकापा न करना के है समझना कुकर है, तो अपना स्ट्रक्चर बनाएगा सबसे पहले आप ही सब्जेक्ट ने लेकर चल रहा, अगर जो भी सब्जेक्ट हुआ अगर जो भी कार्य करे चाहे वो कोई नाम हो या कोई प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट के रूप में आप लेस का इनने नाउन ने प्रोनाउन ने हमेशा सब्जेक्ट के रूप में लेवांगे, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएगा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का आपने बेरा होगा के अगर बता दिया अपन पक्ष है, अच्छा सबसे पहले सब्जेक्ट ना ले लेवांगे आप, फिर आओगी मेन वर्ब। मेन वर्ब हो अगर तीन टाइप की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अच्छा मेन वर्ब का गल्ला मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा जब कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि एक वचन हो गए ही सी इट, या किसी का भी नाम हो मोनू सोनू राहुल मोहित किसी का भी नाम हो, उनका गल्ला है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन एस या ईएस लाना है, और जितना भी बच गया यू दे देयर देम जितना कुछ बच गया उसका गल्ला अपन सीधी मेन वर्ब लानी है अफर्मेटिव में। तो देखो ही अपना एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अपना रामफड़ खेत में जाता है, ये आड़ है यू रामफड़, यू अपना सब्जेक्ट है के है सब्जेक्ट, और खेत खेत है अपना ऑब्जेक्ट यू सब्जेक्ट। अच्छा जाना हो गया अपना वर्ब,
क्रिया। तो इसकी इंग्लिश बनाओ अपना ऊपर स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले लेना अपन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के है रामफल, RAMPHL रामफल। फिर आओगे अपना मेन वर्ब, ये मनु बताओ तो रामफल थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन एस या एस लावांगे अपन, ही सी इट और एनी नेम, रामफल नाम है भाई किसी का, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में काउंट होगा। तो इसके गल ले आए अपन मेन वर्ब लिखो पहला जाना, जाना की इंग्लिश होया करे गो, ये ला दिया गोज बन गया। टू ऑब्जेक्ट के आ गया अपना खेत, खेत ने कह दिया फील्ड, यो बन गया अपना सेंटेंस। कोई बड़ी बात थी मैं नू अपना अगला बना लो, तुम उसे जानते हो, तुम की इंग्लिश क्या बनेगी यू, जानते हो ना क्या अगर इंग्लिश में नो, KNOW नो। इमनानु बताओ इसका क्लास या एस ला दें तो कुकर ला दें एस या एस, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है, अपन जो ऊपर लिखा था इन्हें बताता यूं है को नहीं, तो इस गला सीधी मेन वर्ब आओगी एकली। यू नो, और उसे ने कह दिया अगर छोरा होगा तो हिम आ गया या छोरी होगी तो हर आ गया, यू नो हिम और हर, यू नो बन गया वह। अच्छा ये देखो, वह व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, यू अपना सब्जेक्ट, व्हाइट बोर्ड ऑब्जेक्ट, और लिखना अपनी वर्ब। ये सबसे पहले सब्जेक्ट लेवांगे ही, वह की इंग्लिश बन गई ही क्या अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब का गला एस या एस लावांगे, लिखना अपनी वर्ब होगी इसने क्या कहेंगे राइट अंग्रेजी में, इसका गला ला दिया अस, ही राइट्स ऑन क्या पर लिखा है व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड। ये सेंटेंस थे वो, है कोई लंबी चौड़ी कहानी तो थी कौन, नुए सारे बने गए, चको सा उठा के देख लियो, इंडेफिनेट का अफर्मेटिव कह लो या सिंपल कह लो, कितने भी वाक्य कर लो अपना स्ट्रक्चर सेम रहोगा। चलो अभी इसके नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मामूली है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो तम या कि यू बनाएगा कुकर, हिंदी तो अंग्रेजी आप बनावांगे कुकर, तो पिछला देखा उसमें सब्जेक्ट लेना था सबसे पहले, इसमें भी आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर इसमें आओगी हेल्पिंग वर्ब जो कि इस्तेमाल होगी डू और डज, फिर ला देवांगे आप नोट, नोट क्योंकि वो नेगेटिव है नहीं कि साउंड देगा नहीं खतर लग गया नोट, बाकी सेम है बिल्कुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाद में फुल स्टॉप। तो देखा इवनू एक होगा तारा मन में डाउट, तारा मन में एक डाउट है कि डू कितलावा डज कितलावा, दो हो गए जिस हिसाब से अपन एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गल थर्ड पर्सन सिंगुलर गल लगाया था, नुए आपा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में लगावांगे डज, और आई के साथ में लगावांगे आपा डू, और जितने भी बच गए थर्ड पर्सन सिंगुलर तो न्यारे उनका गल भी लावांगे आपा डू। चलो ये टाइम वेस्ट ना कर दे, घना टाइम खराब कर करांगे कि चलो देखांगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है पहला रामफड़ खेत में नहीं जाता, ये धरती बता था तू रामफड़ के बने अपना सब्जेक्ट क्योंकि यो कार्य कर रहा है, खेत यो हो गया अपने ऑब्जेक्ट, जाता वर्ब हो गया अपनी। तो ये देखो इसका सेंटेंस बनाओ स्ट्रक्चर के हिसाब से, रामफल रामफल गल डू लावा के डज लावा, मैंने नू बताओ रामफल के है किसे का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया, तो
इस गल लावांगे दज और फिर लाना है नहीं आ गया तो नोट रामफल दज नोट मतलब की फर्स्ट फॉर्म गो जाना ना कह दिया करा गो टू फील्ड यह बन गई अपनी इंग्लिश बिल्कुल इसके साथ चलना अपन जमा इसका गल चलना स्ट्रक्चर का गल है हिंदी तो अंग्रेजी अपन जब भी बनानी है अपन ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पहचान तमने बेराई है तो ये अगला सेंटेंस देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है देखो कार्य करेगा मैं के झूठ नहीं बोलता मैं हो गया अपना सब्जेक्ट बोलना बोलता बोलना वर्ब यह हो गया अपनी वर्ब नहीं नेगेटिव की साउंड और झूठ अपना ऑब्जेक्ट तो इसका बनाओ सबसे पहला सब्जेक्ट लेवाए मैंने के क्या करा आई आई के गल के लाऊं डू आई डू फिर अपना आ गया नोट आई डू नोट बोलना ने कह दिया करे टेल झूठ आ गया एल आई आई डू नोट टेल एल आई यह बन गई इसकी अंग्रेजी और ये अगला देखो ही वर्ब ऑब्जेक्ट नेगेटिविटी वाली साउंड नहीं ही का गल के लग जा ही है जी तो इसके साथ हम लगवाएंगे डज और नहीं का नोट ही डजंट या डज नोट का लो ही डज नोट कोशिश करना न कह दिया करे try he doesn't try first form बस बन गया सेंटेंस और भी कोई भी इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है अपन ने यू स्ट्रक्चर फॉलो करना है यू इस स्ट्रक्चर ने याद रख लो स्ट्रक्चर ने सारे सेंटेंस अपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे बिल्कुल जमानू ठीक हाँ जमा ठीक बनाएगा अपने सारे सेंटेंस बस यू स्ट्रक्चर ने याद कर लियो यू जुगर मैथ में फॉर्मूले आ गया यू इसका फॉर्मूला है हिंदी तो अंग्रेजी बनाने का और आपने कुछ नहीं करना इसके हिसाब से चल ही जाओ अपनी अंग्रेजी भी नू जमानू पटड़ी पर चल लेगी जमा हाँ ये देखेंगे आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कुकर बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के चलो इंटरोगेटिव देखेंगे इसके कि भाई इंटरोगेटिव ने आप बिल्कुल आसानी से समझा तो आप इसके दो पार्ट बना सका हाँ एक कह दें सिंपल इंटरोगेटिव एक कह दें डबल इंटरोगेटिव सिंपल इंटरोगेटिव वो अगर इंटरोगेटिव ने हिंदी में कह दिया अगर प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछ जावे हाँ तो सिंपल इंटरोगेटिव अपना वो हो जाएगा जिसका जवाब अपनी हाँ या ना में दे देवा हाँ या ना में दे देवा किसी ने कहा क्या राहुल खेत में जाता है इसका जवाब अपनी देश का हाँ या ना में ना भाई कौन जानता हाँ भाई जावे है इस डालते डबल इंटरोगेटिव वो है अगर जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे नहीं सकते क्योंकि उसकी सेंस खराब हो जाएगी जुकर उदाहरण देखेंगे अभी अग पहला कर ले आप सिंपल इंटरोगेटिव सिंपल इंटरोगेटिव भी अपन ने हिंदी तो अंग्रेजी बनानी है तो उस खातर अपना याद होना चाहिए यू स्ट्रक्चर यू भाई सबसे पहला आप कोई भी प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव कह लो हिंदी तो अंग्रेजी बनावांगे तो सब तो पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी और इनडेफिनेट टेंस की अपने दो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज तो सब तो पहले आपने डू या डज लाना है तो हमने दे रहा है डू किस गल्ला आओगा डज किस गल्ला आओगा
तो बाद में आप लिख देवांगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अपना ऑब्जेक्ट, बात खत्म। ये भी इसके देख ले एग्जाम्पल, क्या प्रश्न पूछा है, सरजू खेत में जाता है, इसका जवाब अभी हाँ या ना में दे सका। हाँ भाई जावा है, कौन ही जानदा ना भाई, कौन जानदा, हाँ भाई जावा है। तो यू हो गया अपना सिंपल इंटरोगेटिव। एक पहचान और है इसकी, स्ट्रक्चर में यह याद रख लियो भाई, क्वेश्चन मार्क जरूर पावेगा अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो, अर्थात हमने भी क्वेश्चन मार्क जरूर लाना है। तो ये देख लियो भाई एग्जाम्पल इसका, क्या सरजू खेत में जाता है, इसका जवाब अभी दे पाए हाँ या ना में। तो यू हो गया अपना सिंपल इंटरोगेटिव, क्या इसका सब्जेक्ट हो गया अपना पे यो, सरजू काम कर रहा है यो, प्रश्न हो गया इस पर पुट, तो यो हो गया अपना सब्जेक्ट, जाना हो गया अपनी वर्ब, खेत ऑब्जेक्ट, बनाए दो मेरे रिव रह गया के इसमें सरजू के है नाम, नाम यूके है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका गल्ला शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाओ डज, लागी हेल्पिंग वर्ब, इव के रह गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था अपना सरजू, SARJU सरजू, डज सरजू, फिर क्या होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना गो, डज सरजू गो कि जाओ है खेत में टू फील्ड, फुल स्टॉप ला दूं, गलत हो जाएगा, करछी का निशान बनाना है, जब जाएगा सही मायने जाएगा। अगला होगा अपना, क्या तुम खेलते हो, हाँ मैं खेल हूं नाटिया, तो मैं को नहीं खेलता, सिंपल इंटरोगेटिव, तुम सब्जेक्ट इंग्लिश में कह देंगे यू, सिंपल इंटरोगेटिव, यो हो गया अपना वर्ब। तो ये भी देखो यू गल्ला आप के लावांगे, क्योंकि यो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है को नहीं, ही सीट की में को नहीं, तो इस गल्ला आ गया अपना डू, सेकंड पर्सन है यू तो डू आ गया, डू डू ला दिया, इफ सब्जेक्ट के है यू, तुम डू यू खेलते, प्ले डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क बन गए मेरा यार सेंटेंस, क्या तुम वहां रहते हो, तुम गल्ला इबे लाया है अपन, डू यू वहां न कह दिया देर रहते है अपनी, यह होगी वर्ब, यह हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब रहना न कह दिया करे लिव, डू यू लिव वहां, देयर डू यू लिव देयर, क्वेश्चन मार्क नुआई अपना यू बन जाएगा, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, वह हो अगर ही गला होगा डज, डज ही पढ़ाना टीच तुम्हें यू, डज ही टीच यू, करछी का निशान यू हो गया अपना सिंपल इंटरोगेटिव। ये बात देख ले इसका डबल इंटरोगेटिव, हाँ बस यह याद रख लियो और आपा ना कुछ नहीं करना, बस यह याद रख लियो, यह आएगी हिंदी तो अंग्रेजी बनानी आएगी, कोई मंत्र थोड़ी पढ़ने है, ये बाय डबल इंटरोगेटिव वे अगर जिनका जवाब अभी हाँ या ना नहीं दे पाते। तो इन्हों बताओ ये एग्जाम्पल रहे, तुम क्यों रोती हो, हाँ ना दरके देख लो कि मैं सेंस बनेगी कौन नहीं बन दी, तो डबल इंटरोगेटिव वो है जिसका हाँ या ना में उत्तर आप ही नहीं दे पाते, हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाते। अरे तुमने जुकर बेरा है हिंदी तो अंग्रेजी बना दी आना, सब ते मेन अपना स्ट्रक्चर जिस हिसाब से सिंपल इंटरोगेटिव में तुमने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पाछे करछी का निशान लाया, ठीक इसमें डू या डज ते पहले डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली हुआ अगर व्हाट वेयर व्हेन हाउ हुम,
इस डाल के शब्द ये भी बता देवाए तमने, देख लो इसके एग्जाम्पल। तुम क्यों रोती हो, क्यों बीच में आ गया, क्या बीच में आ गया, कहां बीच में आ गया, ये बीच में आवागे भाई, एक पछानिया और कर लो इनकी। तो देख लो भाई, तुम क्यों रोती हो, डब्ल्यू एच फैमिली, क्यों ने इंग्लिश में कह दिया करे वाहे, क्यों ने इंग्लिश में कह दिया करे वाहे। फिर हेल्पिंग वर्ब लाओ सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, तुम यू, यू है सेकंड पर्सन, तो आ गया डू, वाहे डू, फिर अपना सब्जेक्ट डू यू। रोना ने कह दिया है भाई कराए फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंडेफिनेट है अपना, अच्छा ला दी करछी। तुम क्यों रोती हो, वाई डू यू क्राई, या बन गई इसकी अंग्रेजी, वह क्या कहता है, इसकी ओर बना लो अंग्रेजी। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का क्या काम बन गया, व्हाट। फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के है ही गला होगा डज, व्हाट डज ही, कहना ना कह दिया अगर अंग्रेजी में से, अच्छा करछी का निशान, व्हाट डज ही से बन गई अंग्रेजी। अगला देख लो भाई, हम कहां जाते हैं, कहां वेहर, वेहर। फिर आओगी हेल्पिंग वर्ब वेहर, हम के है वी, थर्ड पर्सन तो कौन यू, फर्स्ट पर्सन में आ गया आई वी, फर्स्ट पर्सन हो ये, तो इसके गल ला दो डू, वेहर डू, हमने कह दिया रे वी जाते गो, वेहर डू वी गो, अच्छा करछी का निशान यो था डबल इंटरोगेटिव आ गया होगा एक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। बस यू स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ नहीं करना, इसने याद रख लियो तारी सारी अंग्रेजी नुए बनाई। ईव अपना दूसरा नंबर पर टेंस आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ईव इस टेंस की आप हिंदी में पहचान ऊपर रखा, तो सुनो जिस भी वाक्य का आखिर में अंत में रहा है रही है रहे हैं मिल जावे वो सोच लियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। चलो देखा इसने, और जिस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब थी इंडेफिनेट की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डू डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर। इब नूर समझ लो इज कित लागेगा, एम कित लागेगा, आर कित लागेगा। चलो आई गल लाना है एम, आई गल है एम, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन या कोई भी प्लूरल बहुवचन हो, ओड़ ला दियो आर, ओड़ ला दियो आर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में लाना है बच गया के इज, इतना याद रह जाएगा बस बात खत्म। इसका स्ट्रक्चर देख लो जो कि इसकी रीड की हड्डी है, इसे बना यू बने नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता यू। तो देखो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि सिंपल कह लो चाहे सिंपल या अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले लेवांगे सब्जेक्ट ने, फिर हेल्पिंग वर्ब आओगी इज एम आर, वो आओगी सब्जेक्ट का हिसाब से तमने बेराए है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में है कंटिन्यूटी में काम है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गल है आई एन जी ला दो, जड़ा भी कंटिन्यूस टेंस दिख जाए चाहे पास्ट का हो प्रेजेंट का हो फटूरे का फ्यूचर का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गल है आई एन जी आओगी। देखो इब बाद में ऑब्जेक्ट अपना बचेगा, तो आओ इब बनावा इसकी हिंदी तो अंग्रेजी, मैं आ रहा हूं आ जाओ फिर है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी मैंने कह दिया करे आई, आई गल हेल्पिंग वर्ब के ला दिया एम, आई एम, आना ने कह दिया करे
कम, लेकिन कम तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, जो कम ई हटा दिया, ई था लास्ट में, तो बन गया आम खामे, फुल स्टॉप। अगला देख लो अपना, वह स्कूल में जा रहा है, ऊपर लावे था यू जावे है, तो देखो इसकी अंग्रेजी, ही वह स्कूल में तो जाने का काम हो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, या होगी जाना, हो गया वर्ब, देखा गया ना रहा है, अच्छा नहीं बताई थी रहा है, तो समझ जो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ला दू, क्यों ला दू, हेल्पिंग वर्ब कौन लाओगा, ही गल क्या होगी, ही गल थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट कोई भी नाम, तो ला दो हिज, ही इज, फिर क्या होगी मेन वर्ब, जाना ना के क्या करो, गो, आई एन जी ला दो, गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, फिर आ गया फुल स्टॉप, बन गई अंग्रेजी। विभाग लगी और बना के देखो, वे खाना खा रहे हैं, कई दिन है भूखे है भाई, वे खाना खाना लाग रहे हैं, तो वे न कह देंगे दे, वह थर्ड पर्सन में तो आवा है, लेकिन प्लूरल हो वह गणे खातर इस्तेमाल होया करे, तो इसी गल्ला ला दो आर, दे आर खाना, तो हो गया ऑब्जेक्ट, खाना खा, खा इसने कहा गया अंग्रेजी में ईट, कंटिन्यूअस में है आई एन जी ला दो, दे आर ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, दे आर ईटिंग फूड या मील, बन गई अंग्रेजी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव देख लो आए, बाकी तो हमने बेरा है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट का बदलाव आया है, क्योंकि नहीं की साउंड आवेगी नकारात्मक, नहीं, तो देखो भाई बाकी सेम है, कोई भी बदलाव नहीं होगा, बस जो काम हुआ था उस पर रोक ला दी, नहीं आ गया, तो इसकी अंग्रेजी बनावा, मैं नहीं आ रहा हूं, आई गल्ला एम आ गया, फिर आओगे अपना नोट, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, फुल स्टॉप, या बनेगी भाई। अगला देख ले, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वो पटन के काम करा भाई, वो स्कूल कौन जानता, तो देखो भाई यूके बन गया, वह स्कूल नहीं, वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो बनाओ भाई ही इज आवेगा, तमने बेरा ही है, नोट ला दो, ही इज नोट गोइंग टू स्कूल, बन गया ये नू, अगला बना दो, वे खाना नहीं खा रहे है, या वो देख लियो तारा जो सा भी मनमावा, बस स्ट्रक्चर ना याद रख लियो, सारे हिंदी तक अंग्रेजी इसके हिसाब से बनाएगी, बाकी तो हमने बेरा पटे जाएगा, वाक्य के अंत में ये रहा है, रही है, रही बाजेगा, स्ट्रक्चर याद रख लियो सिंपल का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, तो यो बनावा, चलो आप ही अपना ही, वे दे और हेल्पिंग वर्ब नोट इटिंग द फूड, बन गया दे आर नॉट ईटिंग द फूड, वे खाना नहीं खा रहे हैं, वे रूस गए भाई, और नुए तारता या अंग्रेजी रूस जेगी, अगर तारा टेंस समझ में नहीं आओगे, जब देखो या स्ट्रक्चर ने याद रख लो, हाँ इब देखांगे, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमने बेरा है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो,
हेल्पिंग और अब सब्जेक्ट तय पहले आवेगी और बाद में कड़ची का निशान पावेगा। तो देखेंगे, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब अपना पे एग्जाम मार, फिर आओगे अपना सब्जेक्ट, फिर आओगी अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अच्छा यू कड़ची वाला निशान। इसने कह दिया अगर मार्क ऑफ इंटरोगेशन, सिंपल इंटरोगेटिव देख लें भाई शुरू में जिनका जवाब भी हाँ या ना मैं दे सका। एग्जाम्पल देख लो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तेरे ते बात करूं? ना भाई, तेरे ते बात नहीं करता। सिंपल इंटरोगेटिव जो कर अपन पास से देखा था। तो बनाओ भाई इसकी इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब लाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तुम सब्जेक्ट अपना तुमने कह दिया अगर यू, यू गल के आवेगी, यू होवे सेकंड पर्सन, यू गल आवेगी और हेल्पिंग वर्ब और यू बात करना ना कह दिया अगर टॉकिंग, टॉक हुआ बात करना लेकिन आईएनजी लग जाएगा कंटिन्यूअस आ जाता है। आर यू टॉकिंग टू मुझसे, मी, बाद में यू कड़छी लानी ना भूलियो। आर यू टॉकिंग टू मी, बन गया मेरा वाक्य। और मंत्र पढ़ना अगला देखो, क्या वह अपने घर जा रही है? ना काम होगा भाई, जानती होगी वह अपना घर है। तो देखो वह गल्ला के अलावा थर्ड पर्सन हो गया तो इस गल्ला ला दिया हिज, शुरू में हेल्पिंग वर्ब का नाम का हिज ही ला दूं, है सॉरी है भाई सी लागेगा, जा रही है हिज सी, जाना ना के क्या करा है गोइंग, कवा तो है गो लेकिन आई एन जी लग जा गोइंग बन गया हिज सी गोइंग टू अपने घर में कह दिया अगर है छोरी है तो हर होम आ जाएगा, छोरा है तो हिज होम आ गया, समझ जो तू हर होम ला भाई यो भी बन गया हिज सी गोइंग टू हर होम, यू बन गया इसका हिंदी तो अंग्रेजी में सेंटेंस। क्या तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो? पूछण लायक रहे भाई दोस्त, आ भाई तू तेरा जन्मदिन मना रहा है के? तो देखो भाई इसकी भी अंग्रेजी यू तुम का तमने बेरा है, यू कह दे है इसने, यू गल है आर आवेगा, आर यू मनाना हो कोई त्योहार हो जन्मदिन हो या कुछ भी मना रहे हो, उसने कह दिया अगर आप सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट कह रहा लेकिन आई एन जी तो तुमने बेरा है लगेगी तो सेलिब्रेटिंग बन जाएगा। आर यू सेलिब्रेटिंग अपना है तो तुम का अपना बन गया यूअर, जुकर सी का बनया था हर, ई का बनेगा हिज तो यू का बन जाएगा यूअर। आर यू सेलिब्रेटिंग यूअर बर्थडे, स्पेलिंग लिख लियो या बी आई आर टी एच डी ए वाई बर्थडे, यू भी बन गया सिंपल इंटरोगेटिव का बर्थडे, आ गई समझ में? नू बनाएगी बस या याद रखनी है स्ट्रक्चर। तो ये बापा देख ले वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमने बेरा है डबल इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल आप पहला करांगे, बाकी स्ट्रक्चर सिंपल इंटरोगेटिव वाला की डाल रहेगा। डबल इंटरोगेटिव आप ही कहेंगे उसने जिसका जवाब आप ही हाँ या ना मैं ना दे पाऊं। तो चलो एक बता रहा यो बेरा पढ़ लो, तुम आज रात कहाँ जा रही हो? इसका जवाब आप ही हाँ या ना मैं कौन दे पांदे, हो गया डबल इंटरोगेटिव। स्ट्रक्चर का तुमने बेरा है, वाक्य का अंत में रहा है रही है रहे हो इस डाल गया रही है तो तुमने बेरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है, यू तारा स्ट्रक्चर रहा। चलो ये बना हुआ सेंटेंस, स्ट्रक्चर का तुमने बेरा पट लिया तो चलो इब अपना पहला सेंटेंस है वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, के बरा भाई रोड़ा मैच गया होगा, जवाब तो हाँ या ना आया को नहीं तो डबल इंटरोगेटिव मान लिया अपने,
तो बनाओ भाई, क्यों न कह देंगे वाहे। ही सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से ला दिया हिज, ही नहीं आया है क्यों के बाद, तो इंटरोगेटिव में जब भी प्रश्न पूछे जाओगे और नेगेटिविटी आएगी तो सब्जेक्ट के बाद नोट लावांगे, यह बात याद रख लियो। वो नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आओगा, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे कोसाई भी हो उसमें सब्जेक्ट के पाछे नोट आओगा। वाहे हिज ही नोट, बात करना ने कह दिया अगर टॉक, आईएनजी लगेगी कंटिन्यूअस है। वाहे हिज ही नोट टॉकिंग मुझसे, टू मी बन गया। अच्छा ला दो या कड़छी, इस बनायू अधूरा है, गलत है। चलो भाई अगला देखो, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, काम होगा भाई, लेकिन जवाब हाँ या ना बनाया। बनाओ ये इसने, वेहर डब्ल्यू एच फैमिली, फिर ला दो हेल्पिंग वर्ब तुम, यू यू गल आर, वेहर आर यू, जाना ना कह दिया अगर गो, आई एन जी ला दो गोइंग, टू आज रात ना कह दिया अगर टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग, टू नाइट कट्ठा आएगा, समझे। चलो अगला देखो, तुम कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो भाई, मैं ओप्पो का करूं हूं, तू वीवो का करा, एक आधा भाई कोई आईफोन वाला भी होगा, तो जवाब आया ना मैं नहीं आया, डबल इंटरोगेटिव है, तो पहला डब्ल्यू एच फैमिली ला दें, डब्ल्यू एच फैमिली कौन सा की बनी विच, और विच गल याद रखियो हमेशा ऑब्जेक्ट आवेगा, रूल है यो, विच के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आओगे, और अपना ऑब्जेक्ट के है, तुम तो हो गया सब्जेक्ट, फोन हो गया अपना ऑब्जेक्ट, विच फोन, हेल्पिंग वर्ब ला दो फिर, आर यू, यूजिंग इस्तेमाल करना ने कह दे है, यूजिंग इस्तेमाल करना हो गया, यूज आई एन जी लैगी रहे हो क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो यूज का अच्छा आई एन जी ला दिया, तो यूजिंग बन गया, अच्छा ला दिया कड़छी का निशान, यू था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, याद रखियो इन बातों ने, ये भाई अपना अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस की पहचान सुन लो भाई, जिंदगी किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है जी, वो परफेक्ट टेंस का वाक्य है भाई, और या यो नहीं पावे तो सब्जेक्ट है जो भी अपना कार्य करने वाला, कर्ता कह लो या सब्जेक्ट कह लो, उसने काम पूरा कर दिया होगा वो भी परफेक्ट में होगा। इस टेंस ने देखो भाई, इसका देखो शुरू में सिंपल या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सारे अफर्मेटिव का सेम है, तमने बेरा है, इस शुरू में आ गया अपना सब्जेक्ट कार्य करने वाला, फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, हैज या हैव, तो इवनू देख लो अपन है, आओ कित लाना है, एज कित लाना है, आओ लागेगा आई का गल है, और जितने भी बहुवचन बच गए ये एक तक घने प्लूरल उन गल है वो आओगा, और है जाओगा थर्ड पर्सन सिंगुलर का साथ में, और जितने भी नाम बच गए सिंगुलर थिंग होनी चाहिए, मतलब कि एक वचन घने नहीं होने चाहिए, एक वचन गल्ला आओगा हैज, और बहुवचन गल्ला आओगा है वो, एज में कम अक्षर है युजा तो सिंगुलर गल्ला होगा, और हैव में घने अक्षर है युजा तो प्लूरल गल्ला होगा, नू याद कर लियो चाहे। अच्छा ईव देखो, हेल्पिंग वर्ब का बेरा पट गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आओगी इसमें, थर्ड फॉर्म इसमें नू आओगी क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट है कर्ता है उसने काम पूरा कर दिया, जाता इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आओगी, बाद में अपना ऑब्जेक्ट है फुल स्टॉप का, फुल स्टॉप लांदे यार। ये देखो इसके कुछ एक एग्जाम्पल,
मैं खाना खा चुका हूं, चुका हूं आ गया होगा, बस भी परफेक्ट का है। इफ शुरू में लेना है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपना मैं की बन गई आई, आई आई गल के लावा है वो, आई है वो अल्पिंग वर्ब आ गई अपनी है वो। इब के लावा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। इब खाना तो हो गया अपना ऑब्जेक्ट, खाने का जो कार्य है यो वर्ब है अपनी, तो खाना ना कहा करे इंग्लिश में ईट, थर्ड फॉर्म ला देंगे ईटन हो जाएगा, ई ए टी ई एन ईटन, और अपना ऑब्जेक्ट बच गया बाद में खाना, आई हैव ईटन द फूड फुल स्टॉप, या मील कह लो। ईव अगला एग्जांपल देखो अपना, वह जा चुका है भाई, अगला नवार हुआ थी वो गया, तो ईव तामिया एग्जांपल देख लो, वह का बन गया ही गल है, ही पहला नोताओ एक वचन है बहुवचन, यू है हाँ एक वचन, एक वचन गल है ला दिया हैज, ईव वर्ब टो इसमें वर्ब है जाना, जा तो जाना ने कह दिया करा गो, थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन, ही हैज गोन, ऑब्जेक्ट है कौन नहीं, फुल स्टॉप लागा अपना, काम करो खत्म। ये भाई अपना अगला सेंटेंस देखो, हम उससे मिल चुके हैं, हमने कह दिया करा इंग्लिश में वी तो हमने बेरा है प्लूरल है, तो वी गल ला दिया अपन है मिलना ना कह अगर मीट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी मैट, वी हैव मैट, और उससे टू हिम। ये थे अपने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कह लो या सिंपल सेंटेंसेस कह लो। इब तो हमने चेक कितने एग्जांपल है जो तारा आ गए, बस यू स्ट्रक्चर ने याद रख लियो, यू तारा याद है तारा या पछाण याद है, तमना हिंदी तो अंग्रेजी बनाने खातर दिहाड़े को नहीं बननी पड़ेगी ना, तमना डर लगेगा, जा तो स्ट्रक्चर ने याद रखो भाई और पछाण ने याद रखो। की अपना आ गया यू प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, देख लो भाई कुकर बनाएगा तमने बेरा पटेलिया इब लग, जो अफर्मेटिव था उसमें नोट को नहीं आता, इसमें बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का बाद नोट आ जाएगा, हैज होगा तो हमने बीरा पटेलिया कड़ा कड़ा लग गई है। तो इसका सेंटेंस देखो, मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई गल आवेगा है वो, आई हैव नेगेटिव है तो नोट ला दो, नहीं आ रहा आई हैव नोट, थर्ड फॉर्म देखना की हो जाएगी सीन द ताजमहल, द इस गल आया या ऐतिहासिक चीज होगी, जाते भाई आई हैवंट सीन द ताजमहल सही है, हैव नोट भी सही है, दोनों बात एक ही है, अगर कदे उलझ जो, वह अपने घर नहीं पहुंचा, कबाड़ी बालक होगा भाई कि तेरा में गप्पे मरदा होगा या और कि मैं कुकरम करदा होगा, ये तो थी मजाक की बात, सेंटेंस ने देख लो, वह अपने घर नहीं पहुंचा है, ही गल्ला ला दिया हैज, तमने बेरा है नोट, ही हैज नोट, पहुंचने की हो जाएगा वर्ब रीच, लेकिन थर्ड आओगी परफेक्ट का तो रीच्ड हो जाएगा, ही हैज नोट रीच्ड हिज होम, क्योंकि अपना घर है, छोरी होंगी तो हर होम है जिर आड़सी है जिर भाई ई का सी हो जिर। ये थे इसके नेगेटिव, इब देख लो इसके इंटरोगेटिव, तो इसका जो इंटरोगेटिव देख लो भाई, इंटरोगेटिव मैं तमने बेरा है हेल्पिंग वर्ब पल आवेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज है वो, सब्जेक्ट प्लस मेन की वर्ब थर्ड आओगी, परफेक्ट है जाते याद रखो। हाँ तो देख ले, क्या तुम मैच जीत चुके हो,
क्या हाँ या ना में जवाब आवे है तो सिंपल इंटरोगेटिव कह लो इसने। तो पहला क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आओगी यू, हो गया तुम, हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी हैव, क्योंकि प्लूरल है। हैव यू विन वोन वोन थर्ड फॉर्म वोन, हैव यू वोन द मैच, करछी याद रखनी है, क्या तुमने काम कर लिया है, तुमने यू लेकिन हेल्पिंग वर्ब ला दो, हैव यू डू की थर्ड फॉर्म डन, हैव यू डन द वर्क क्वेश्चन मार्क। अंधे हो गए समझ में, तो बने रहो, नहीं अंधे हो, पॉज करके वीडियो ने बैक था, दोबारा तो शुरू करके देखो, जरूर आओगे। प्रेजेंट परफेक्ट के डबल इंटरोगेटिव देख लो भाई, सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली तमने बेरा है, पहले में आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखो वह यहां क्यों नहीं आ चुके हैं, वह यहां क्यों नहीं आ चुके हैं, क्यों वाहे हेल्पिंग वर्ब, वह गल्ला आओगी हैज, वाहे हैज सब्जेक्ट ही नहीं नोट, वाहे हैज ही नोट केम, कम कम की थर्ड फॉर्म, वाई हैज ही नॉट केम यहां हियर क्वेश्चन मार्क। हम हॉकी क्यों नहीं खेल चुके हैं, चलो तो इसकी इंग्लिश बना ले, क्यों वाहे वाहे आ गया, हम वी हैव वी, समझ गए, वाई हैव वी खेलना प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म प्लेड, ओके वाई हैव वी प्लेड हॉकी क्वेश्चन मार्क। यो था अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटरोगेटिव। इस सेंटेंस में एक गलती है भाई, तो हमने बताना है वह गलती है के, और उसकी जगह आवेगा के, अके लगाना भूल गया अपा। आगे हो गया तारा समझ में, जितना इब लग बताया है ये भाई, अपना अगला टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू टेंस तमने बेरा है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिलन तब बनया है। इब इसकी हिंदी की पछाण देख लो भाई, इसने पछाणेंगे कुकर, पछाण यह है किसी भी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, पा जावा तो समझ लियो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इब घनी देर ना करते आ जाओ, इसके देखेंगे एग्जाम्पल। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो इसका, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेवांगे, फिर लेवांगे हेल्पिंग वर्ब। इब तारे मन में डाउट होगा हेल्पिंग वर्ब के आवेगी, अपना परफेक्ट में आई थी हैज या हैव, तो इसमें आप ही लगा देवांगे हेल्पिंग वर्ब अपनी हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर गल्ला हैज बीन, प्लूरल गल्ला हैव बीन, और आई के साथ भी हैव बीन, यो याद रख लियो बस। परफेक्ट में हैज हैव था, इसमें सिर्फ बीन और गल लग जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस भी साथ में है जाता है। ये देखो अपना कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गल आई एन जी आई है, तो वह भी इसमें नू की नू ला दिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब ले ली परफेक्ट वाली, बीन साथ में लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया अपन कंटिन्यूस ते नू की नू, ऑब्जेक्ट भी अपना नू का नू, बस सिंस और फॉर और जुड़ेगा इसमें,
सिंस और फोर जुड़ जाएगा इसमें लास्ट में, इतर मन मनु होगा सिंस कितलावा फोर कितलावा। पॉइंट ऑफ टाइम जित भी होगा ओड़ा आओगा सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम होगा ओड़ा आओगा फोर। ये पॉइंट ऑफ टाइम देख लो तमें क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ है कोई भी डेट होगी, जुकर 5 मई, 26 फरवरी, 6 जून, इस डालते हैं कोई भी सन हो गया, जुकर 2001, 2010, 1990, कोई भी दिन हो गया, जैसे मंडे। कारण का भाव यो है जड़ा भी फिक्स टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, ओड़ा ला देवांगे आपा सिंस, और जित भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, मतलब टाइम तो होगा एग्जैक्ट नहीं होगा। जुकर 6 महीने, 4 हफ्ते, 2 दिन, इनमें टाइम तो है लेकिन अपन नू को नेरा को से 6 महीने की बात हुई, को से 4 हफ्ते की बात हुई, को से 2 दिन की बात हुई, को से 2 घंटे की बात हुई, ओड़ा लावांगे आप फोर। पर जित भी अपन एक्यूरेट नू बेरा पट जाओगा, हाँ भाई बात हो रही है 28 फरवरी की, 26 जनवरी की, 15 अगस्त की, एक्यूरेट डेट हो, सन हो, या कोई भी एक्यूरेट टाइमिंग हो, या कोई भी एक्यूरेट टाइम हो, जैसे आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, मिड नाइट, इस डालता है ओड़ा भी सीन्स लावांगे आप। तो आज इब इसके एग्जाम्पल देखा। पहला एग्जाम्पल है अपना, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं के अपना सब्जेक्ट तो आई लिख देवांगे, आई गल लागागा है वो, साथ में बीन क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस का नाम की फर्स्ट फॉर्म आ जाओगे अपना वर्ब की। इंतजार करना न कह दिया करे वेट, गल आईएनजी लग जा कंटिन्यूअस की उस तरह। तो आई हैव बीन वेटिंग, आपका न कह दिया करे फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। सुबह है तो सुबह के अपना एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस गल आ जा सिंस मॉर्निंग, बन गया भाई सेंटेंस। अगला देख लो, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, वह ही गलत हमने बेरा, यह सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन कोशिश न क्या कर रहा, ट्राई कंटिन्यूस है तो आई एन जी और ला दो, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर, क्योंकि 2 दिन अपन अनु को बेरा को से 2 दिन है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं, एग्जैक्ट टाइम को नहीं, अपन नू को नहीं, बेरा को से 2 दिन है, तो जाता है आ जाएगा फोर टू डेज। अगला देखो भाई इसका, अगला है वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है, पछाण भी देख दे जाइयो गल की गल के क्या लग रहा है, जो बताया था वो आवे है को नहीं आंदा, तो पछाण का भी तमने बेरा है, 1990 अपना एग्जैक्ट टाइम है, इसका गल है तमने बेरा है सिंस लावांगे। सब्जेक्ट के है ही, सिंगुलर है तो हैज बीन, रहना ना क्या अगर लियो तो कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म गल है, आई एन जी ला देवांगे तो लिविंग बन गया, ही हैज बीन लिविंग, कितना है दिल्ली में तो इन दिल्ली कर दो आई, इन दिल्ली, फिर बना दो अपना सिंस 1990, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है सिंस नू आया, तो सेंटेंस बन गया ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। बस तुमने स्ट्रक्चर याद रखना, यू स्ट्रक्चर सारे सेंटेंस एक्यूरेट बन दे जाओगे बिल्कुल। ये भी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देख लो भाई, नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज है, यू तो हमने याद रखना पड़ेगा,
नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज है, यू तुमने याद रखना पड़ेगा। तुमने और नेगेटिव सेंटेंस देखे होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब का बाद नोट आवे है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट आवेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब के अपना पे हैज बीन, हैव बीन, लेकिन इसका नोट आओगा बीच में, तो यू बन जाओगा हैज नोट बीन, हैव नोट बीन। यो याद रखना है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। देखो यू सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर। इसके एग्जाम्पल देखो, हुआ है वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। के बरा भाई क्या तो कौन जानता के दिक्कत हो रही उसका, अक बंक मार है, ये होगी फालतू की बात। ये अपना इंग्लिश बना लो, वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह ने कह दिया करे ही सिंगुलर है तो हैज बीन आ गया अपना, गलत हो जाएगा। नेगेटिव भी तो है, नोट की जाएगा, यो ही ध्यान रखना बस, हैज नोट बीन आवेगा, ही हैज नोट बीन जाना की इंग्लिश होया करे गो, लेकिन कंटिन्यूस है तो आई एन जी भी लग जाएगा। ही हैज नोट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लॉन्ग फोर, भाई फोर लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम है, दो दिन को, बेरा कोनी को से दो दिन है, तो लिखो फोर टू डेज, टी डब्ल्यू टू डेज। ईव जाड़ा नू होंदा डेट दई होंदी अड़े, तो सिंस ला देवार सप्ताह के नाम होंगे तो भी सिंस ला दे मार, सिंस मंडे सिंस ट्यूजडे सिंस वेडनेसडे इस डालता है। तो इब अपना अगला देख लो भाई, अगला है वे दोपहर से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट के है वे, इंग्लिश बनेगी वे की दे, प्लूरल है तो है वो आ गया, नेगेटिव है तो नोट बीच में आ गया, फिर बीन लग गया, फिर खेलना ने क्या करे प्ले, आई एन जी ला देवा कंटिन्यूस भी साथ में है, यो जाते है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट के है फुटबॉल, सिंस लाऊ फोर लाऊ, सिंस लगेगा क्योंकि दोपहर है, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस आफ्टरनून। ये बन गए भाई अपने सेंटेंस, तमने इब धीरे धीरे टेंस आन लग गए है। इब देख लो भाई इसके सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पहला देखो इसका स्ट्रक्चर चेंज के आया है। सबसे पहला अपन हैज हैव लिखना है, फिर अपना सब्जेक्ट आओगा, फिर बीन आओगा, जिस हिसाब से नेगेटिव में हैज हैव के बाद नोट आया था फिर भी ना आया था, ठीक इसे डालिंग इंटरोगेटिव में पहले हैज हैव में तो एक आओगा, फिर सब्जेक्ट आओगा और फिर भी ना आओगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर, बाद में तुमने बेरा है यू पर्ची का निशान आओगा, और कोई चेंज को नहीं, नोट की जगह सब्जेक्ट आओगा, पहले हेल्पिंग वर्ब का हैज हैव आओगा, बाद में सब्जेक्ट का बाद में भी ना आओगा, बाकी सेम है। देखो इसके एग्जाम्पल, क्या वह 9 बजे से फुटबॉल खेल रहा है, तो देखो वह सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आओगी, तो सिंगुलर है तो है जाएगा, फिर अपना सब्जेक्ट आ गया ही, फिर आ गया अपना बीन, बस यो याद रखियो, कदे सीधा एज बीन लिख दो, तुमने यू याद रखना है हैज के बाद में हैव के बाद में सब्जेक्ट आओगा फिर भी ना होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। देखो भी ही हैज बीन
ने के क्या करा पले आई एन जी ला दो कंटिन्यूस भी है जाता है प्लेइंग के है फुटबॉल तो फुटबॉल लिख दो। इवनू बताओ 9 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है पीरियड ऑफ टाइम है 9 बजे भाई साहब पीरियड ऑफ टाइम को नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है 9 दिन में 1 बजे और 1 रात न बजेगे जाते ही पॉइंट ऑफ टाइम हो गया 9 बजे 2 बजे 1 बजे 3 बजे कै बज रहे हो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आओगा उसका गल है सिंस आओगा ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 9 o'clock ठीक है अगला देखो क्या वे सोमवार से यात्रा कर रहे हैं पछाण भी देख दे जाइयो गाल की गाल रहे हैं से भी आ रहा है पछाण भी मिला लियो तो बनाओ इसकी इंग्लिश वे वो है दे हो गया अपना प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब लाओ पहला है ओ दे बीन यात्रा करना न क्या करे ट्रैवल ट्रैवल हो है यात्रा करना न क्या करे ट्रैवल तो आई एन जी और लग जाएगा टी आर ए वी ई एल आई एन जी ट्रैवलिंग दे हैव बीन ट्रैवलिंग मतलब बताओ सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम है पीरियड ऑफ टाइम है सोमवार है भाई हफ्ता में 1 बजे है तो यू पॉइंट ऑफ टाइम है तो लिखो हैव दे बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे संडे होंदा तो संडे आज होंदा 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं तो 4 आ जावर लेकिन जड़ा पॉइंट ऑफ टाइम आओगा उड़े सिंस आओगा बाद में यू कड़छी का निशान लगा दियो क्लॉक का बाद में लगाना भूल गया था तब ना भूलियो लगा दियो जरूर ये छोटी छोटी मिस्टेक का था सेंटेंस गलत है अगर है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इंटरोगेटिव में ई बिस्के डबल इंटरोगेटिव देख लो भाई डबल इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर सारा वो एरा होगा बस हेल्पिंग वर्ब तक पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी तमने बेर आई है एग्जाम्पल देखो ई बिस्के तुम कल से क्या कर रहे हो क्या कर रहा भाई तू कल है तो इसकी अंग्रेजी बनाओ क्या डब्ल्यू एच फैमिली आओगी पहले क्योंकि क्या बीच में रहा है डबल इंटरोगेटिव है हाँ या ना में जवाब कौन दे सकते आप इसका तो क्या ना क्या करें इंग्लिश में व्हाट व्हाट गल है आओगी हेल्पिंग वर्ब आओगी सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट के है यू है प्लूरल तो इसका गल आ गया है वो फिर अपना सब्जेक्ट आ गया यू फिर आ गया अपना बीन करना न के क्या करे डू तो कंटिन्यूस है तो डू का पाछा आई एन जी और ला दो डूइंग बना दो व्हाट हैव यू बीन डूइंग इब कल के है भाई पॉइंट ऑफ टाइम है पीरियड ऑफ टाइम यू है भाई पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि कल होया परसों होया यस्टरडे टुमोरो इनका गल आप लाया करे सिंस ये पॉइंट ऑफ टाइम है एग्जैक्ट टाइम ने बताया करे देखो इब सिंस यस्टरडे क्वेश्चन मार्क व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे तुम कल से क्या कर रहे हो इब अगला बनाओ भाई तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो क्यों न कह देवांगे वाहे हैव यू बीन हैव आया यू का हिसाब है वाई हैव यू बीन खेलना आया अगर प्ले आई एन जी ला दो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस
यू हो गया अपना कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसे का कंप्लीट होते ही अपना पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, तारा समझ में आ गया होगा। ईव अपना आ गया भाई पास्ट टेंस, तुमने प्रेजेंट टेंस तो समझ लिया होगा और तारा समझ में आ गया होगा प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट टेंस ने भी तमिन चुटकियां कर सको हो। कोई घना बदलाव है को नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब का बदलाव रहा होगा, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। इसका यूज देखो भाई पास्ट इंडेफिनेट का कित होगा, आप इसका यूज सारी आन कराए हैं लगभग, क्यों अपनी आदत हो है नू बताना, हाँ भाई मैंने पहले नू करया, उस फलाना ने नू करया है, जो टाइम बीत लिया उस तक बताने खातर आप ही पास्ट टेंस का यूज करांगे। इसकी हिंदी में पहचान देख ले भाई पास्ट इंडेफिनेट की, पहचान यह है किसी भी वाक्य के अंत में ता था ते थे ती थी मिल जावे या आ ई ए ओ मिल जावे तो समझ लियो पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, बस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आओगी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। एक यो ऐसा इंडेफिनेट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आवे है, बाकी फ्यूचर इंडेफिनेट में भी फर्स्ट रहोगी और प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी फर्स्ट रहोगी, इसने नू भी याद रख लियो। चल आओ भाई घनी वार ना कर दो इस टेंस ने भी करके देखांगे। इसका स्ट्रक्चर देखो सिंपल सेंटेंसेज का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट में फर्स्ट आउती इसमें सेकंड आएगी, क्योंकि वो पास्ट है, पुरानी घटना जो घटित होली जो काम आपने कर लिया उसने बताओगा। तो देखो एग्जांपल इसके, वह आया आ गया ना, या पहचान भी देख लियो भाई गल की गल, तो वह है कि इंग्लिश के बन गई ही सेकंड फॉर्म, कम फर्स्ट होगी सेकंड केम, थर्ड होगी फिर कम, तो सेकंड ला दो केम ही केम फुल स्टॉप। अगला देखो, मुझे मेरे भाई ने बुलाया माई ब्रदर, मेरा भाई ने बुलाया, बुलाना ना क्या करा कॉल, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, माई ब्रदर कॉल्ड मी मुझे। तीसरा देखो, पप्पू स्कूल में जाता था, पप्पू स्कूल में जाता था, ये भाई वो कॉलेज में जाता होगा, पहले स्कूल में जाया करता, तो देखो पास्ट है ना जाता था ता था, ये पहचान भी देख दे जाइयो गल की गल। तो इसकी इंग्लिश बनाओ, सब्जेक्ट के है पप्पू, पप्पू फिर जाना ना के क्या अगर गो, इसकी सेकंड फॉर्म लावांगे तो वेंट, पप्पू वेंट टू स्कूल बन गए। आसान है जमा, बस हेल्पिंग वर्ब का फर्क रहेगा, बाकी प्रेजेंट वाले सेम है नू के नू। देखो भाई पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस, उस तक पहले मैं तुमने बता दूं, आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव करया उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी डू और डज, और मैंने तरती कहा पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म का यूज करांगे आप, तो डू की सेकंड फॉर्म बना दी आपने डिड, या बन गई अपनी हेल्पिंग वर्ब बन गई, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब के अपना पे डिड, बाकी जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर था अपना वो सेम रहेगा। देखो ये मिला के भी देख लियो, चाहे शुरू में लिखेंगे आप सब्जेक्ट, फिर आओगी अपनी हेल्पिंग वर्ब डिड क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, फिर लावांगे नोट क्योंकि नेगेटिव है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ भाई इसके एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल पहला है उसने फिल्म नहीं देखी,
के बराबर के आट लागी हो ना देखने पाया पला हो तो बनाओ इसकी इंग्लिश। सुने का बन गया ही हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड नेगेटिव है तो नोट देखना ना क्या अगर सी डिड नॉट सी द फिल्म यो बन गया भाई इसका सेंटेंस। दे भाई तमीनू बचल जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनेट है लेकिन डू की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड तो यार आगे जो मेन वर्ब होगी वो अपनी फर्स्ट रहोगी। कभी आड़े सेकंड ला दो तारा सेंटेंस गलत हो जाएगा इस बात का ध्यान रख लियो। आज इसका अगला देखा सेंटेंस मैंने झूठ नहीं बोला किसी ने आरोप ला दिया होगा भाई तू झूठ बोला है तो मैंने अपनी सफाई में कहा भाई मैंने झूठ नहीं बोला। तो आज इसका सेंटेंस बनावा मैंने की बन गई इंग्लिश आई हेल्पिंग वर्ब ला दिया पाना डिड नोट नेगेटिव है नहीं का नाम कह गया तो बोलना ना क्या करे टेल आई डिड नॉट टेल और झूठ हुआ है एल आई। ये थे भाई इसके नेगेटिव। देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव सेंटेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आया है वो भी टाइम का चेंज के कारण बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। देखो डिड शुरू में हेल्पिंग वर्ब आओगी क्योंकि इंटरोगेटिव है फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल है क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी सिंपल इंटरोगेटिव है हाँ या ना में जवाब दे सका हाँ। तुमने यू हो गया तुमने तो क्या की जगह ला दिया डिड डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब क्वेश्चन मार्क तो करछी लानी जरूर याद रखियो भाई और देखी जाओ। अगला देखो क्या तुमने पढ़ाई की हेल्पिंग वर्ब शुरू में यू तुमने डिड यू स्टडी पढ़ाई ने कह दिया रहा स्टडी फिर क्वेश्चन मार्क क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है ही कोई। अगला भी देख लो लग गए लोगे तो क्या तुमने लिखा डिड यू राइट क्वेश्चन मार्क बस स्ट्रक्चर में याद रखियो बाकी तब ना ये बनाने आएगा ये मेरा हिसाब था तो क्यों प्रेजेंट जिसने आएगा उसने पास्ट टेंस भी आए जाओ है जब आ कोई फर्क नहीं होता सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क। ये देख ले भाई अपना पास्ट इंडेफिनेट के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तुमने बेरा है इनका जवाब आप ही हाँ या ना में ना दे पांदे जाते ये डबल इंटरोगेटिव होगी। देखो इब बाकी स्ट्रक्चर सिंपल इंटरोगेटिव वाला रहेगा बस डब्ल्यू एच फैमिली पहले लाइक देगी। तो देखो तुमने उससे क्या पूछा क्या क्या ना कह दिया अगर व्हाट हेल्पिंग वर्ब के है डिड सब्जेक्ट आ गया अपना यू व्हाट डिड यू पूछना ना कह दिया अगर आस्क और उससे हिम क्वेश्चन मार्क व्हाट डिड यू आस्क हिम बन गया अपना सेंटेंस। अगला देखो तुमने मुझे क्यों बुलाया आन लग रहा है पछानी भी आन लग रहा है अपनी गल की गल भी देखते जाइयो तुमने मुझे क्यों बुलाया क्यों ने कह दिया अगर वाहे हेल्पिंग वर्ब डिड यू बुलाना ने कह दिया रहा कॉल और मी व्हाई डिड यू कॉल मी बन गया। इब अगला सेंटेंस देखो अपना वह वहां क्यों गया क्यों ने कह दिया अगर वाहे हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड सब्जेक्ट के ही वह Why did he जाना अगर गो वहां की इंग्लिश आएगी देयर क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क Why did he go there? ये थे भाई डबल इंटरोगेटिव। इब अपना टेंस आ गया भाई जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इब इस टेंस ने नू देखो हिंदी में कुकर पछाणांगे किसी भी वाक्य का अंत में रहा था रहे थे रही थी पा जावे वो समझ लियो पास्ट कंटिन्यूअस का है। धरती पहले बता था ये भी बताऊं पास्ट में और प्रेजेंट में कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ
एक टाइम का डिफरेंस है जिसका कारण हेल्पिंग वर्ब में चेंज आओगा, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा। ये मना नू बताओ तमी अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लाया कर दे इज एम आर, इनका बन गया पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब। इवनू देख ले वाज किता होगा और वर किता होगा, आई गल्ला भी वाज आओगा और जितने भी सिंगुलर बच गए उन गल्ला भी वाज आओगा, बाकी जितने प्लूरल है उन गल्ला वर आओगा। ईव घना टाइम ना खराब कर दे, आज इसके देखा एग्जांपल। पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इवनू बताओ मैंने कि मैं चेंज है हेल्पिंग वर्ब ने छोड़ गए, आज भी देखा। पहला है अपना एग्जांपल, वह आ रहा था, वह की इंग्लिश ही गल के लावा सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, आना ना क्या करा कम आईएनजी लग गया कमिंग, ही इज कमिंग बन गया अपना सेंटेंस। अगला देखो, वे खेल रहे थे, वे घने हो गए दे गला प्रेजेंट कंटिन्यूस और तो लावर आर, यू है पास्ट कंटिन्यूस प्लूरल है तो इस गला लग गया वर, दे वर खेलना ने कहा अगर प्ले आईएनजी लग गया प्लेइंग बन गया, दे आर प्लेइंग तो वर प्रेजेंट कंटिन्यूस में, दे वर प्लेइंग हो गया पास्ट कंटिन्यूस में। अगला नेगेटिव देखो भाई, इसका कोई फर्क कोनी, नुका नु सेम है स्ट्रक्चर बीच में ला लो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आओगा। देखो ही, वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नोट नहीं के लिए, दे वर नोट जाना ना क्या करा गो आई एन जी लग गया गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल आसान है तारा अगर देख लो। अगला देखो, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, मैंने कह दिया अगर आई गल है प्रेजेंट कंटिन्यूस में लग गया था एम, लेकिन इसमें लगेगा वाज, यो ध्यान रखियो आई वाज नोट का नोट, आई वाज नोट खेलना न के क्या अगर प्ले आई एन जी लग गया कंटिन्यूस है जाता, आई वॉज नॉट प्लेइंग ऑब्जेक्ट के है फुटबॉल। ये भाई पास्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव देख लो भाई, स्ट्रक्चर का तो हमने बेरा ये है हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, बस वो वाज वर्ब वो बता दिया तारती क्यों होया। देखो के अपना सेंटेंस, क्या वह टीवी देख रहा था, पछाण भी आने लग रही अपनी रहा था, इंटरोगेटिव हो गया अपना सिंपल वाला, हाँ या ना में जवाब दे इसका। हाँ तो देखो ये सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब हुआ अगर सब्जेक्ट का हिसाब था, सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आएगी वाज, वाज फिर सब्जेक्ट ही, वाज ही देखना ना क्या करा है वॉच, आई एन जी लग जाएगा वॉचिंग, वाज ही वॉचिंग द टीवी क्वेश्चन मार्क, बस स्ट्रक्चर याद रखना था हमने और कोई मंत्र नहीं पढ़ने, रूल का हिसाब तो चल ही जाओ तारा सेंटेंस बन जाएगा। आओ ये विषय का डबल इंटरोगेटिव बनागा दिखाऊ भाई, था हमने कुकर बनाया करे, वह क्या वह टीवी देख रहा था, इसका डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा वह टीवी क्यों देख रहा था, बन गया आज विष्णु बना लो डब्ल्यू एच फैमिली, वॉज ही वॉचिंग द टीवी, नू सेंटेंस बनाया गया मेरे भाई, ये कोई घबराने की जरूरत को नहीं, बस स्ट्रक्चर ना याद रखो और टेंस की पहचान ना याद रखो, तारा बिल्कुल टेंस आंगड़िया पहुंच जाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है तुमने। ये अपना टेंस आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस,
बिल्कुल सेम है प्रेजेंट परफेक्ट तय, लेकिन टाइम का चेंज होने का कारण तब न बेरा है हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और बाकी सेम रहोगा स्ट्रक्चर सारा। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान के थी, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, ये भी इसका है की जगह था लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट की क्या बनेगी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था। इस डालते कोई भी काम पास्ट टाइम में पूरा हो लिया उस खातर यूज करांगे आपा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो इब इसके एग्जांपल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने दे रहा है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी नुका नु प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेम है। इब देखो हेल्पिंग वर्ब अपना प्रेजेंट परफेक्ट में थी हैज है वो, लेकिन वह पास्ट में आकर होगी हैड, हेल्पिंग वर्ब की होगी अपनी हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हैड लगेगा, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। देखो एक एग्जांपल अफर्मेटिव के, मैंने फिल्म देख ली थी, मैंने की बन गई आई, आई गल हैड देखना ना क्या अगर सी थर्ड फॉर्म ला दो, आई हैड सीन द फिल्म फुल स्टॉप। दूसरा देखो वह खाना खा चुका था, ही हैड इटन या टेकन कह लो द फूड ये थे भाई अफर्मेटिव। इसके नेगेटिव देख लियो, नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, बाकी तो हमने बेरा यह है सचिन स्कूल में नहीं जा चुका था, सचिन हैड नोट जाना हुआ है, गो थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल, यो बन गया भाई नेगेटिव। बस स्ट्रक्चर याद रखियो, पहचान याद रखियो, कोसा टाइम चल रहा है, पास्ट का हो तो पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब, बाकी स्ट्रक्चर पास्ट का परफेक्ट का सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का चेंज है और कोई घनी लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। इब देख ले भाई इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, शुरू में तो देखो इब इसके सिंपल गया भाई, एक क्या वह जा चुका था, हाया नाम जवाब देश कहां, तो हो गया सिंपल इंटरोगेटिव। तो लिखो हेल्पिंग वर्ब शुरू में हैड, सब्जेक्ट के है ही गोन करछी का निशान। इब यो तो था अपना इसका सिंपल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और देखो इसका यो बना लो वह क्यों जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या लिखाएंगे, क्यों की बनावांगे डब्ल्यू एच फैमिली का यू वाहे हैड ई गोन, यो बन गए भाई इसके सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर तुम याद रख लियो, जिन्हें प्रेजेंट टेंस है गया उन्हें पास्ट टेंस भी जमा आया बैठे है। ई भापना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भाई, तुमने बेरा पटे लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई बड़ा चेंज को नहीं, हेल्पिंग वर्ब का चेंज है बस। उसमें हेल्पिंग वर्ब थी अपना पे हैज बीन हैव बीन, इसमें ओनली अपना पे एक के हेल्पिंग वर्ब रहोगी वह है हैड बीन, तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसका गल है यह लगेगी अपनी हैड बीन। तो ये बापा इसका अफर्मेटिव का देख लो भाई स्ट्रक्चर, तुम भी बना लो, इतना गाल गाल आ गया होगा तुमने बनाना, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अपना आईएनजी ला दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर सिंस ला दो, फिर फोर ला दो, सिंस और फोर का तुमने बेरा है, सिंस आओगा पॉइंट ऑफ
टाइम और फोर आओगा पीरियड ऑफ टाइम, फिर फुल स्टॉप ला दो। ये इसका एक वाक्य देख लो, वह वाक्य इसका बनाओ, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। बना दे इसमें सब्जेक्ट अपना ही गल हैड बीन ला दो भाई, हेल्पिंग वर्ब अपने के है हैड बीन, तब ना दे रहा है ही हैड बीन, देखना की होगा अगर वाच आई एन जी ऊ ला दो, क्यों कंटिन्यूस है भाई जाता। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, बन गया भाई सेंटेंस। बस स्ट्रक्चर याद रखो, तुमने जब प्रेजेंट तारे समझ में आया है तो पास्ट समझना तुमने कोई दिक्कत नहीं होगी। इव तमी नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लो भाई, सब्जेक्ट आ गया अपना अपना, फिर आ गया हेड, फिर आ गया नोट, फिर आ गया बीन, बस यू याद रखना है, बाकी सेम है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर फुल स्टॉप। ये बना लो कौन सा वाक्य, वाक्य ले लो तुम सुबह से, तुम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, खेल रहे थे। तो बना दो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। देखो भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस, तमना हेल्पिंग वर्ब का बेरा है के आओगी हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसका सिंपल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर तमने बेरा है कुकर बनाएगा तो बनाओ भाई। सबता पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर सिंस या फोर। ये बनाओ सेंटेंस बनाओ, ये देख तो साइन बना लो, चलो देखा के बनावा। क्या वह 2 दिन से काम कर रहा था, क्वेश्चन मार्क बाद में लाना ना भूलियो, मैं तो भूल गया था तभी ना भूलियो। क्या वह 2 दिन से काम कर रहा था, हैड अपने हेल्पिंग वर्ब है, ही बीन वर्किंग फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। ईव यो था भाई इसका इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखो, डब्ल्यू एच फैमिली आओगी पहला और किमें नहीं आंदा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहोगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, सिंस फोर और क्वेश्चन मार्क। ये बनाओ कोई वाक्य इसका, हुआ तुम सुबह से क्यों काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो ये भाई बनाओ इसकी इंग्लिश,
क्योंकि बन गई वाहे, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड, यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क नू बनागी भाई। आ गया होगा समझ में, बस जमा आसान है ये टेंस, तमी बस प्रैक्टिस करो। स्ट्रक्चर तारा आग है, तारा आग बनाकर दिखा दी, और इससे फालतू कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस से फालतू कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस जद लग नहीं कर दे इतना टेंस नहीं आओगे, चाहे वीडियो देख लियो, प्रैक्टिस करो तारा टेंस जमा अंगलियां पर याद हो जाएगी। ये अपना आखिरी टेंस आ गया भाई, फ्यूचर टेंस। इन्हें चाहे फटूरे कह लो अपने समझन खातर, यो है फ्यूचर टेंस। इसका पहला इंडेफिनेट की पहचान देखो भाई, इंडेफिनेट की पहचान यह होगी हिंदी में किसी भी वाक्य का आखिर में तमने गा गे गी मिल जावे तो सोच लियो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का चक्कर समझ लो के है, हेल्पिंग वर्ब आओगी इसमें शैल और विल, यह समझनी जरूरी है। किसी भी वाक्य के अंदर आई और वी सब्जेक्ट हो ओड़ा होगा शैल, बाकी जितने भी बच गए ओड़ा होगा विल। लेकिन ये मॉडल वर्ब है तो इस कारण किसी भी वाक्य में धमकी दी गई हो, मैं तने देख लूंगा, मैं नू कर दूंगा, तने मार दूंगा, अच्छा मैं पक्का पास होकर दिखाऊंगा, वादा दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन प्रोमिस थ्रेट, जड़ा भी ये तीन चीज हो वाक्य के अंदर ओड़ा भी आई वी के साथ विल आवेगा, इतना और याद रख लियो जड़ा ये तीन चीज हो। बाकी आज इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इंडेफिनेट का कुकर बनेगा। पहला देखो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, शुरू में सब्जेक्ट हमने बेरह लिन दिया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब तारा बता दी सेल और विल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तमने बेरा है इंडेफिनेट है तो आवेगी ओनली पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड आओगी, बाकी प्रेजेंट में फ्यूचर का इंडेफिनेट में फर्स्ट आओगी, फिर अपना ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर अपना फुल स्टॉप। एग्जांपल देखो इसके, वह जाएगा ही गल के अलावा विल गो फर्स्ट फॉर्म बन गया, मैं तुमसे मिलूंगा I shall meet you, इव देखो मैं तुम्हें देख लूंगा, आई या धमकी होगी किसी अगर धमकी दी अपन, मैं तने देख लूंगा भाई, तो इसका गला आप ला दे विल आई गल भी, आई विल सी यू, निकाल दिया अगर मैं तेन मार दूंगा तो इसकी गल आप भी इंग्लिश में ला करा आई विल किल यू, तो जड़ा धमकी हो वादा हो पक्का दृढ़ निश्चय हो ओड़ा आप आई वी गल विल लगा देवांगे, इतना ध्यान रखना है, बाकी स्ट्रक्चर याद रख लियो। इव देख ले भाई इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में तो हमने बेरा है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा और कोई छेड़खानी नहीं है, स्ट्रक्चर का गल है बिल्कुल सेम है। देखो एग्जांपल इसका, वह नहीं आएगी, वह के है सी, सी गल के अलावा विल, नहीं का नोट, आना ओ अगर कम सी विल नॉट कम। अगला देखो, वे नहीं खेलेंगे, दे विल नोट ले, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नोट गो, आई शैल नोट गो। ये थे इसके नेगेटिव भाई, ये भी इसके सिंपल इंटरोगेटिव देख लो भाई, पछाण तारी पाछ तम न पावेगी, कोई
घना बड़ा रोला रहा को नहीं तरह समझ में आया गया होगा। सिंपल इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब तो बनाएगा, डबल इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले डब्ल्यू एस फैमिली आ जाएगी। फिर भी देख लो क्या तुम आओगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तुम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है अपना यू, यू गला आ गया, विल विल यू आना ने क्या अगर कम विल यू कम। अगला देखो क्या तुम वहां जाओगे, विल यू जाना होया अगर गो वहां की देयर, विल यू गो देयर क्वेश्चन मार्क। तू कड़छी का निशान तो मैं भूलियो ना लाना, बाकी तारा स्ट्रक्चर तारा याद दे हो गया होगा। इवलग इंटरोगेटिव का के बनाएगा, सिंपल के बनाएगा, नेगेटिव का के बनाएगा, डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर के बनाएगा। बाकी जब आसान है अगर रूल का हिसाब से चलोगे तो थोड़ा हा समझना है और किमें प्रैक्टिस करनी है, बाकी कोई लंबी चौड़ी कहानी है कौन। ई भी इसका डबल इंटरोगेटिव देख लो, विषय का बना लो डबल इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली पहले ला दियो, बाकी स्ट्रक्चर हो तब ने बेरा है। क्या तुम वहां जाओगे तो बना दे तुम वहां क्यों जाओगे, तो बन जाएगा क्यों ना कह देंगे वाहे लग गया, बाकी सेम रहेगा तब ने बेरा है बाद वाला। वाहे विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगे तो वाहे विल यू गो देयर। इस हिसाब से तारा फ्यूचर इंडेफिनेट भी हो गया कंप्लीट, बाकी इनकी प्रैक्टिस कर लियो। ई आ गया भाई अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी की पहचान देख लियो, इसे भी वाक्य का अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पै जावे, या कोई भी काम जो फ्यूचर में चलता हो उस खातर आप यूज करांगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ईव इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो, अपना इंडेफिनेट में के थी विल और शैल, यू कंटिन्यूअस है तो बी और ला दो गल विल बी शैल बी, तुमने बेरा है ये किता होगी विल किता होगा शैल किता होगा। ईव देख लो इसके एग्जांपल, पहला इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या तो सबकी सेम रहा था ना बेरा है। ईव देखो इसके एग्जांपल, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा बनेगी, वह खाना खा रही होगी, शी will be eating, इतना रख लो या पछ लाना चाहो तो लास्ट को eating the food, she will be eating the food, वह लिख रहा होगा, he will be writing। यो था भाई इसका सिंपल। ये भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस देख लो भाई, जिस हिसाब से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का बीच में नोट लाया था, ठीक इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का बीच में नोट लगेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब के अपने पे विल बी शैल बी, इनका बीच में नोट लग जाएगा तो हो जाएगी विल नोट बी शैल नोट बी, और कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, स्ट्रक्चर तारा आगे है नेगेटिव सब्जेक्ट विल सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनाओ, वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नोट बी ईटिंग द फूड, कह ले या इतना रख ले मर्जी तारी है लगा दो। अगला देखो, वे नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो दे विल नॉट बी प्लेइंग
क्रिकेट ला दो, किला दो, जो भी गेम है उनका पाछो ऑब्जेक्ट हमने बेराई है। ये थे इसके नेगेटिव। इव देख ले भाई इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में करना के है अपनी पूरी हेल्पिंग वर्ब है विल बी शैल बी, लेकिन विल शैल पहले लगाना है, बीच में सब्जेक्ट आओगा, बाद में बी आओगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमने बेराई है। विल बी और शैल बी है तो इनका बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, विल सब्जेक्ट बी हो जाएगा, शैल सब्जेक्ट बी हो जाएगा। और कोई इनमें मंत्र पढ़ने है को नहीं, तारा गयो रहा। एक एग्जांपल देख लो, क्या तुम आ रहे हो, गए तुम है यू, यू गल ला देंगे विल, फिर अपना सब्जेक्ट विल यू बी आना, कम आई एन जी ला दो कमिंग, पच्छे कड़छी का निशान। ये विषय का देख लो भाई, डबल इंटरोगेटिव भी, डब्ल्यू एच फैमिली पहला ला दो, बताए तो देखो इसे का बना लो, तुम अड़ला दो क्यों आ रहे हो गए, तुम क्यों आ रहे हो गए, या बनाए सब्जेक्ट भी चेंज कर लो अपना, वे कर लो, वे क्यों आ रहे हो गए, तो वे हो गया दे, दे गला आ गया अपना विल। यार या नू गलती ना करियो, क्यों है तो शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली लाओ, वाहे विल दे बी कमिंग नू बनाएंगे भाई। बाकी स्ट्रक्चर तो आ गया है। देखो भाई अपना अगला टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी की पहचान देख लो, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या कोई भी काम जो अपना फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, आसन की बात को नहीं, कोई भी जो अपना ऐसा काम है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, आप ही सोचते होंगे, वो दिल्ली जा चुका होगा, उसने नू कर लिया होगा है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या बनाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों कही, क्योंकि वो परफेक्ट है, तो हमने बेरा है परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आवेगी, चाहे पास्ट का जकर हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का। तो देखो इब हेल्पिंग वर्ब क्या आओगी भाई इसमें, अपना के थी पहला विल बी शैल बी, तो ये हो जाएगा विल हैव शैल हैव। इब देख लो इसका एग्जांपल, वह दिल्ली जा चुका होगा, ही will have जाना, go third form gone to दिल्ली, वह अपना काम कर चुका होगा, he will have done his work। ये भी इसका negative बना ले, क्यों वार करो भाई, negative मत हमने बेरा है, will है तो हो जाएगा will not have, बाकी सेम रहा होगा तारा गई, इसे बना ले वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गोन टू दिल्ली। ठीक से भाई, ये भाई इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस देख ले दादा, इंटरोगेटिव तो हमने स्ट्रक्चर का बेरा है विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, आखिर में वो करछी का निशान, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कह दे है जिन्हें। एग्जाम्पल देखो भाई, क्या तुम मुझसे मिल चुके हो गए, क्या तुम मुझसे मिल चुके हो गए, हाँ या ना जवाब दे इसका, हाँ तो सिंपल इंटरोगेटिव हो गया, तो बना दो तुम गल क्या होगी विल, फिर सब्जेक्ट यू हैव मिलना मीट, थर्ड फॉर्म मैट मी क्वेश्चन मार्क। यो था भाई इंटरोगेटिव, विषय का डबल इंटरोगेटिव बना देंगे तो आगे अपनी डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, और इसका कुकर बनेगा तुम मुझसे क्यों मिल चुके होगे, तो क्यों मैं तुमने बेरा है घनी लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, पहले डब्ल्यू एच फैमिली ला देंगे तो वाई ला जाएगा, वाई विल यू मेट मी क्वेश्चन मार्क।
ये थे इसके इंटरोगेटिव। अपना परफेक्ट भी पूरा हो गया। अब अपना अगला टेंस आ गया है भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान देख लो हिंदी में, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। पास जावे तो समझ लियो फटूरे परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो भाई क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब आओगी इसमें विल, हैव, बीन या शैल हैव बीन। तो हमने बेराय है वीडियो घनी लंबी नहीं हो जाए, तो देख लो इसका एक सेंटेंस। मैं तीनों एक कुकर बनाएंगे, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। तुम 2 घंटे से आ रहे हो गए, तो यू विल हैव बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स। इब इसका नेगेटिव देख लो भाई, तुम 2 घंटे से नहीं आ रहे हो गए। यू विल का बाद नोट ला दियो भाई, तो यू विल नॉट हैव बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स। और इंटरोगेटिव बन जाएगा क्या तुम 2 घंटे से आ रहे हो गए, तो विल नोट न हटा दियो, नोट की जगह यू सब्जेक्ट ला दियो, तो विल यू हैव बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स। वो हो जाएगा सब्जेक्ट, बीच में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, तब न बेरा है विल के बाद। डबल इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्यों होगा, तो वाहे विल यू हैव बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। यू हो गया भाई तारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पूरा, और इसे का गल सारे टेंस पूरे खत्म, सारे टेंस हो गए अपने खत्म। बस ये प्रैक्टिस करियो कम से कम 50-100 एग्जांपल जिसे भी तार पर बने बनाकर इंग्लिश बनाकर देखियो, कितने किताबा में कापिया में टो लियो उनकी अंग्रेजी बनाकर देखियो, तारा समझ में आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दोबारा तो वीडियो देखनी पड़ेगी, तब ना इस तब दिया तब दोबारा तो वीडियो देखो, प्रैक्टिस कर लियो अपने। तो जल्द ही लेकर आ रहे हाँ फिर अपनी अगली वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच पर, तो बने रहो। तारा अपना चैनल है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, कि मैं डाउट हो तो कमेंट में पूछ लियो। राम राम भाई सारे भाई।